भाई 3 मई 4 मई 5 मई 2024 मेरे पीछे ये जो लाखों का आम मजमा देख रहे हैं, ये न्यू तबलीगी मरकज मस्जिद अबुल कासिम में आज इत्तेमा का दिन है। मैं अपनी वीडियो में आपको बार बार बता चुका हूँ, जितने भी लोग पिंडी इस्लामाबाद में जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, सबसे गुजारिश है कि इस इत्तेमा में लाजमी आया करें। ये जो लाखों की तादाद में आम मजमा देख रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो अपना माल, अपना पैसा, अपनी जान, अपना वगैरह लगा के इस जगह आए हैं। इस जगह आपको ना कोई फिरका मिलेगा, इस जगह ना कोई लड़ाई झगड़ा मिलेगा। यहाँ लाखों की तादाद में मजमे को संभालने के लिए जितनी भी इंतजामिया होती है वो टोटल फीस भी लीला होती है। यहाँ जितनी भी इंतजामिया है उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता, हर बंदा अपनी मदद आपके तहत यहाँ इंतजामात करता है। और इंतजामात भी इस लेवल के होते हैं कि आपको आम पब्लिक में जहाँ क्राउड होता है इस तरह के इंतजामात नहीं मिलेंगे, किसी जलसे जुलूस में किसी जगह भी ऐसे इंतजामात नहीं मिलेंगे। और एक बड़ी बात, अहम बात कि इस तबलीगी जमात का जो शुरुआत है वो कैसे हुई, मैं मुख्तसर सा आप लोगों को बताता चलूं कि भारत के अंदर एक आलिया समाज के नाम से एक तहरीक ने जन्म लिया और उस तहरीक का ये कहना था कि जितने भी ये मुसलमान हैं हमने इन्हें हिंदू करना है। और इस आर्या समाज तहरीक के तहत एक आरएसएस तहरीक ने जन्म लिया और ये बड़ी शिद्दत पसंद तहरीक थी। और इस तहरीक का सहारा लेते हुए एक शुद्धि की एक तहरीक ने जन्म लिया और इस तहरीक का कहना था कि ये जितने भी मुसलमान हैं इनके आबाओ अजदाद हिंदू थे, ये किसी सूफी किसी बुजुर्ग की तबलीग करने के बाद ये मुसलमान हो गए थे, अभी हमने इन मुसलमानों को दोबारा हिंदू करना है। और इस तहरीक ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि हिंदुस्तान का एक इलाका है राजस्थान, उस इलाके में इस तहरीक को बड़ी पजीराई मिलना शुरू हो गई और राजस्थान के इलाके मेवात में मेऊ मुसलमान बड़ी तेजी के साथ हिंदू होना शुरू हो चुके थे। और उस टाइम मौलाना अलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी जमात का इनकार किया और उन्होंने उस टाइम एक चीज सिखाई कि अपना माल, अपना जान, अपना वक्त लगा के आपने तबलीग में अल्लाह के रस्ते के ऊपर निकलना है। और मुसलमानों को जिन्हें इस्लाम का सही अंदाजों में पता नहीं, जो मुसलमान तो हो चुके हैं लेकिन उन्हें दीन इस्लाम की प्रॉपर तलीमात नहीं पहुंच सकी, उन तक आपने तलीमात पहुंचानी है। जाने का मकसद ये है कि ये तबलीगी जमात जो है ये हमारे पाकिस्तान में ये वह जमात है जो किसी इंतशार में नहीं आती। इन्होंने सिर्फ एक ही दर्श दिया है कि ये जो लोग हैं जो अपना पैसा लगा के आते हैं, अपना माल लगाते हैं, अपनी जान लगाते हैं सिर्फ अल्लाह को तलाश करने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात सीखने के लिए। मैं यहाँ अरबपति लोग देखता हूँ जो सादगी में बैठते हैं। आपको मैं इंशाल्लाह सारे तबलीगी मरकज का विजिट करवाता हूँ और साथ साथ बातें भी करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा साथ अच्छा लगेगा। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि सारे लोग हिम्मत कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा।
एक बात बताता हूँ, इस तबलीगी मरकज की जो टोटल जमीन है वो 1200-1400 कनाल है, और ये तबलीगी मरकज की जो नमाजों की गुंजाइश है वो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक नमाजों की गुंजाइश है, और ये फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद के अंदर फैसल मस्जिद बनी हुई है उससे ये 3 गुना ये मस्जिद जो है ये बड़ी है। देखिए जी, यहाँ गोश्त नंबर पे, मुर्गी नंबर पे, चने 50 रुपये, दाल 50 रुपये। बताने का मकसद ये है कि यहाँ बाहर की निस्बत आपको हर चीज़ जो है, गुजरते जाओ, यहाँ बाहर की निस्बत हर चीज़ आपको हाफ प्राइस के ऊपर मिलती है, और खाने पीने के लिए हर चीज़ इंतहाई मुनासिब मिलती है। सिर्फ इस तबलीगी मरकज के बिल्कुल साथ हमारी सोसाइटी जमर वैली है, सिर्फ 1 करोड़ का फ़र्क है। वहाँ जो गोश्त की प्लेट है वो 250 रुपये की मिलती है ऑलमोस्ट, यहाँ 90 रुपये की मिलती है। यहाँ जो सब्जी है वो 50 रुपये की है, वहाँ 100 रुपये की है। यहाँ तबलीगी मरकज के अंदर ये देखेंगे, देखें जी हमारे भाई क्या बेहतरीन ये नान, ये उगानी नान लगा रहे हैं, और ये भी इंतहाई मुनासिब कीमत में ये हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाए। देखिए जी, अभी हमने मगरब की नमाज पढ़ी है और अभी ऑलमोस्ट शाम का वक्त होने वाला है, और ये मेरे पीछे ये सारा आप एरिया देखिए कि वो यहाँ लाइट ऑन है, वो श्रीनगर हाईवे है, और श्रीनगर हाईवे से ये ऑनवर्ड जितना भी ये एरिया, ये सारा तबलीगी मरकज का एरिया, ये जगह जगह लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये सारा एरिया जो दूर दराज से लोग इस्तेमाल में तबलीगी मरकज में आते हैं वो 4 मई को यहाँ ही स्टे करते हैं, और 5 मई को सुबह फजर की नमाज के बाद दुआ होती है और लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये वजूखाना और वॉशरूम की जगह है, और उसके आगे ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये सारा मस्जिद का हाल है, और इस जगह ही लोग बैठते हैं और इस जगह ही दुआ होती है। आपको मैं एक बड़ी अहम बात बताता चलूं कि अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि ये लाखों की तादाद में ये जो क्राउड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोगों के जहन में होता है कि ये लाखों की तादाद में ये जो क्राउड है इनके पास इतनी फंडिंग, ये पैसा कहाँ से आता है, ये जितने भी लोग हैं ये दूर दराज से अपनी गाड़ियों के ऊपर आए, ये सारे अपना माल अपनी जान लगा के यहाँ आते हैं, कोई किसी को फंडिंग नहीं करता, ना हुकूमती लेवल पे कोई फंडिंग है, ना इनकी कोई एनजीओ है, ना कोई वेबसाइट है कि जहाँ से फंडिंग इकट्ठी होगी, हर बंदा अपना पैसा खुद ही लगाता है। और दूसरा अहम सवाल जो लोग करते हैं, ये 1200-1400 कनाल जो जमीन है, यहाँ इतनी बड़ी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया गया, ये 5 से 7 अरब का प्रोजेक्ट है, ये पैसा कहाँ से आया? मैं 2016 से तबलीगी मरकज के साथ मुंसलिक हूँ, तबलीगी मरकज के बिल्कुल साथ हमारी सोसाइटी जमर वैली है। ये जो एरिया है ये H17 बनता है, इस्लामाबाद का सेक्टर H17 बनता है, ये टोटल जो जमीन है ऑलमोस्ट ये मलिक रियाज साहब की थी, और तबलीगी मरकज की जो शुरा है इनके जो मेन बंदे हैं उन्होंने मलिक रियाज से सस्ती ये जमीन उठाई खरीदी, उसके बाद जितनी जमीन तबलीगी मरकज को चाहिए थी वो रखी, बाकी जमीन जितनी भी सोसाइटी वाले हैं उन्हें फरोख्त की, वहां से जो फंडिंग जो पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा पैसा तबलीगी मरकज में लगा। आप हो हम हो, मैं एग्जांपल जाता हूँ, तबलीगी मरकज में किसी को फंडिंग देने के लिए सबसे पहले मुझसे मेरा तरीका माश पूछा जाता है कि आप कारोबार क्या करते हैं, आपसे पैसा कहाँ से आता है, हर डिटेल पूछी जाती है। ये नहीं कि किसी को ब्लैक मनी या हराम का पैसा तबलीगी मरकज में जाकर लगाया और उन्होंने ले लिया, और इस तबलीगी मरकज को कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती, हुकूमती सतह पे किसी किस्म का कोई पैसा भी इकट्ठा नहीं किया जाता। जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं उन सबसे सबको मैं अक्सर कहता हूँ कि इस तबलीग में लाजमी आया करें, आपको एक तो ज़िंदगी गुजारने का सलीका मिलेगा, तरीका मिलेगा, बुजुर्गों की महफिल मिलेगी, तहज्जुद गुजार बुजुर्ग होते हैं उनकी महफिल मिलती है, उनके पास बैठ के काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ जो लोग होते हैं वो अपनी अना ख़त्म करने के लिए आते हैं, अपने अंदर से मैं ख़त्म करने के लिए आते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये तबलीगी मरकज़ ज़िंदगी में रोशनी ले आता है, ये यहाँ आपको नमाज आपकी ठीक करवाई जाती है, नमाज जनाजा ठीक करवाया जाता है, और इसके अलावा कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। ये देखें, ये लाखों का जो मजमा है, ये लाखों की जो गाड़ियाँ हैं,
ये बड़ी बड़ी दूर से पूरे पाकिस्तान से लोग आए, ये सिर्फ सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए, अपने नबी का दीन सीखने के लिए, अपने नबूवत के सबके तबलीग करने के लिए इस जगह आए हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे तो गली मोहल्ले की मस्जिद में कुछ तबलीग वाले भाई हमारे आते थे, तो जब ये तबलीग वाले भाई हम दूर से देखते थे ना, तो हम सारे बच्चे भाग जाते थे कि अगर इन्होंने पकड़ लिया तो 15-20 मिनट उन्हें तबलीग देनी है। और उस टाइम इन तबलीग वालों की बातें हमारी समझ में आ जाती, आपको तो पता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी बदल जानी थी। ये मेरे पीछे जितने भी आप ये लोग देख रहे हैं, ये वही हजरात हैं जो हमारी मस्जिदों में आया करते थे और घर घर जा कर लोगों को तबलीग देते थे, और हम लोग तरह तरह की बातें करते थे कि ये मौलवी फ्री हैं, घरों में बैठे हुए हैं, ये जो बाबे हैं ये मरने की स्टेज के ऊपर इधर आगे मस्जिदों में बैठ के, हम अलग तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये सारे मालदार लोग हैं, ये सारे पैसे वाले लोग हैं जो अपने घरों से अपने बच्चे अपनी बीवी छोड़ के निकले हुए हैं सिर्फ हतमे नबूवत के सदके। बताने का मकसद ये है कि ये तबलीग का जो काम है ये मामूली काम नहीं, ये कहते हैं बुजुर्ग फरमाते हैं कि काम किए नहीं जाते, काम करवाए जाते हैं। अल्लाह ने जिनसे अपना काम लेना होता है अल्लाह ले लेते हैं। ये मरकज भी तो किसी ने बनाया है ना, ये खरबों की इन्वेस्टमेंट है। हमसे एक छोटी सी मस्जिद नहीं बनती, 5 मरले का घर बनाना होना जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है। और ये देखें इतना बड़ा इंतजाम ये किसने किया, ये अल्लाह करवा। अगर बात तनकीद की जाए तो हमारे माशरे में सिर्फ तनकीद ही की जाती है। हम अगर अपने आप से सवाल करें कि हमने दीन इस्लाम को क्या दिया है, हमने कितने बंदों को मुसलमान किया है, हमने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया है, हमने कितने भूखों को खाना खिलाया है, बात ये बनती है, बात ये नहीं बनती कि हम हर बंदे के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें, हर फिरके के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। हम इस चीज़ के ऊपर तनकीद करें कि रफादान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम इस चीज़ के ऊपर तनकीद करें कि ऊंची आमीन कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हमने हतमे नबूवत के सदके इस दीन के लिए हमने क्या काम किया है। ये जितने भी तबलीगी लोग हैं, इतनी दूर से ये लोग आए, ये सिर्फ ये अपने घर अपने बच्चे छोड़ के सिर्फ तबलीग करने के लिए, लोगों को कलमा ठीक करवाने के लिए, लोगों की नमाज ठीक करवाने के लिए, दीन के हक के लिए निकले हैं। बात करने का मकसद ये है कि हम सबको चाहिए कि अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपना हिस्सा डालने जितना हमारे पास इलम है उस इलम को बांटे, ना कि हम तनकीद करें दूसरों के ऊपर तनकीद करें। और इस तबलीग में सिर्फ मोहब्बत और अखलाक ही सिखाया जाता है, और यही असल चीज़ है, ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि दाढ़ियों वाले चोर ने चोरों ने दाढ़ियाँ रख ली हुई हैं। अक्सर मार्केट में लोग कुछ तबलीग वालों को बातें करते हैं, कुछ दाढ़ी वालों को बातें करते हैं। कहने का मकसद ये है कि बातें करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। आप अपने घरों से निकलें, अपने बच्चे छोड़ के निकलें, दूर दराज से अपना पैसा लगा के, अपनी जान लगा के, अपना वक्त लगा के आप तबलीग में आएँ, आप 40 दिन लगाएं तबलीग में, बरून मुल्क तबलीग के लिए जाइए और फिर आप बातें करें। घरों में बैठ के हर बंदा बातें कर सकता है, इसलिए मोहब्बत बांटें, आसानियाँ बांटें। जो लोग दूसरे के लिए आसानियाँ बांटते हैं अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करता है। इसलिए हम सबका फ़र्ज बनता है कि अपना अपना हिस्सा सारे डालें। जब सब लोग अपना अपना हिस्सा डालेंगे, मैं बड़े दावे उम्मीद से कहता हूँ ये मुल्क ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ घर एसी वाले कमरों में बैठ के हम दीन की तबलीग की बातें करते हैं। दीन की तबलीग ये है कि हम अपने घरों से निकलें, मट्टी में मट्टी हों, फिर लोगों को तबलीग दें, अपना हिस्सा डालें। यहाँ मैं अरबपति लोग देख रहा हूँ वाशरूम की सफाइयों के लिए रुके हुए हैं, बाइक सीधी करवाने के लिए रुके हुए हैं। उनको पता है कि एक दिन मरना है, जान देनी है, खाली बातें करने से काम नहीं होगा। बाकी बातें तो बहुत है जो करने वाली हैं, इंशाल्लाह गायब गए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं करता रहूँगा। अभी बयान का भी टाइम हो चुका है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बुजुर्गों से कुछ सीख लूँ, मेरे अंदर भी कुछ इलम आ जाए ताकि आहरत आसान हो जाए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।